So, दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा ये डिसाइड हुआ कि भाई चलो नीड क्या है इन्वेस्टमेंट करने की क्यों करनी चाहिए हमने इन्वेस्टमेंट तो चलो हम डिसाइड कर लिया कि सेविंग पे नहीं हम इन्वेस्टमेंट पे दिमाग लगाएंगे एंड वी विल हैव दैट एक्स्ट्रा रिटर्न विद आर कॉर्पस तो अभी आप पूछोगे भाई ठीक है है चलो करना तो है, करे कहां पे ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए सो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट एसेट क्लासेस की कौन से कौन से एसेट क्लासेस होते हैं पहले ये आपको बताऊंगा और फिर हमारे जो गोल्स है अचीव करने हैं क्योंकि हमें तो अराउंड बारह तक का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखना है बिकॉज क्योंकि रिटायरमेंट के बाद के जो तीस साल है हमारे बिटवीन फिफ्टी टू एटी वो हमें मैनेज करने हैं तो उसके लिए तो बड़ा कॉर्पस चाहिए अपने को सो so, फिर वो कॉर्पस अचीव करने के लिए वी नीड टू तो हैव मोर देन काइंड ऑफ तो ये ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है पहले बताएंगे एसेट एसेट क्लासेस कौन कौन से उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि, कि किस एसेट क्लास के साथ मुझे जाना है सुनाओ तो फर्स्ट एसेट क्लास जो है इक्विटी एसेट क्लास मतलब स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स तो वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स डायरेक्ट स्टॉक्स में हो सकते हैं आप जाके स्टॉक्स खरीद सकते हो अगर आपको वो एक्सपर्टीज आपके पास है तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आल्सो सो मतलब आप एक फंड मैनेजर को हायर करोगे वो पूल ऑफ मनी होगा आपके जैसे अलग 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 इन्वेस्टर्स साथ में आएंगे एंड देन दे विल इन्वेस्ट और वो फंड मैनेजर ही इज एन एक्सपर्ट ही विल मैनेज योर ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू टेक सम फीस फॉर दैट

ंड इन हैंड बट देर टू थिंग्स एक होता है रियलिस्टिकेशन जहां पे एक सोबर इन्फ्लेशन फाइव सिक्स परसेंट कामिक ग्रोथ कुड बी गुड और उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होने की वजह से इक्विटी एक ऐसे क्लास काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है सो so, इक्विटी में आपके पास डायरेक्ट इक्विटी एक ऑप्शन है जो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड्स तो मेरा सजेशन ये रहेगा इफ यू आर अ बिगिनर यू डोंट हैव दैट एक्सपर्टीज इट्स बेटर टू गो म्यूचुअल फंड्स जहां पे वो फंड मैनेजर्स होंगे जरूरी नहीं है वहां पे जाके आपको बहुत एग्रेसिव जाना है शुरुआत अगर आपको करनी है तो लार्ज कैप ओरिएंटेड इंडेक्स फंड के साथ आप लोग जा सकते हो आई थिंक दैट विल टेक केयर ऑफ योर गोल्स देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा प्रो होते जाओगे इक्विटी रिलेटेड चीजें समझ में आ जाएगी क्टीज के सब टाइप्स क्या है लार्ज कैप कंपनीज क्या होती है मिड कैप कंपनीज क्या होती है स्मॉल कैप कंपनीज क्या होती है फिर यू विल रियलाइज की ओके नाउ आई अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एंड नाउ आई कैन गो एंड इन्वेस्ट इन दीज डिफरेंट फंड उसके बाद अगर और ज्यादा आप प्रो हो जाओगे तो आपको लगेगा यार आई कैन गो एंड इन्वेस्ट इन टू स्टॉक्स ऑल्सो सो वो सारी ग्रेजुअल प्रोसेस है तो उस प्रोसेस से आप लोग जाओगे अगर आइडिया नहीं है तो इट्स बेटर टू गो विथ इंडेक्स फंडिशियलीज नो प्रॉब्लम विद ये इक्विटी एक, एक एसेट क्लास हो गया जिसका एक्सपेक्टेशन आपने 12 परसेंट प्लस का आप रख सकते हो अगर ट्रेडिशनली लास्ट 20 सालों के हम रिटर्न्स देखेंगे तो इंडेक्स साइड में भी एक हेल्थी ट्वेल्व परसेंट प्लस का रिटर्न हमारे पास दिखा है आई अंडरस्टैंड की 10 साल के रिटर्न में आप लोग आजकल बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़ रहे हो कि बिकॉज ऑफ द मार्केट आर डाउन तो वो आ, बाकी के अदर एसेट क्लासेस लाइक फिक्स डिपोजिट्स या गोल्ड ने भी उसको बीट किया इक्विटी को बट बिलीव मी और द longer horizon, आई थिंक इक्विटीज विल डू मच बेटर कंपेयर टू ऑल अदर एसेट क्लासेस तो वो अदर एसेट क्लासेस कौन से है? तो इक्विटी का तो हमने देख लिया तो उसको बाजू में करते हैं नेक्स्ट एसेट क्लास वो है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जिसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं अभी ट्रेडिशनली इंडिया में फिक्स डिपॉजिट्स का एक बहुत बड़ा मार्केट है एज ऑल वी हैराउंड वन वन फिफ्टी लाख करोड़ रुपीज के डिपॉजिट्स होते हैं बैंक्स बैंक्स में में ऑल ओवर इंडिया के उसमें से एक मेजर पोर्शन फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट का पोर्शन जो है वो फिक्स डिपॉजिट्स का ही है बिकॉज वी आर अ सेवर्स कंट्री हम सेविंग बहुत ज्यादा करते हैं सेविंग्स का रेट भी अपना तीस परसेंट से ऊपर का है एंड दैट्स वाई सो वी ऑलवेज हैव डन दैट ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स तो ये एक एफ डी जो है वो

जो गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट की जो ओन पी है वो इश्यू करते हैं देन देर आर फ्लोटिंग इंटरेस्ट बॉन्ड जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए विदेश आरबीआई uh, का रेपो रेट ऊपर नीचे होगा उस हिसाब से वो चीजें भी इंटरेस्ट रेट्स फिक्स इनकम सिक्योरिटी में तो आपको पता है आप कितना इन्वेस्ट करने वाले हो और मेच्योरिटी पे आपको क्या मिलने वाला है तो ये जो ऑल ओवर इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनको मैनेज करने वाले फंड फंड जाता है फिर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फंड होते हैं वो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंडस भी होते हैं वहां पे देर आर लिक्विड फंड ऑल्सो लो

गारंटी गारंटी तो नहीं बोलेंगे बट यू हैव दैट आइडिया भाई ये कितना मिल सकता है इसमें सो so वहां पे ज्यादा सरप्राइज नहीं होगा जैसे कि इक्विटी में द सरप्राइज कुड बी देयर बोथ द साइड्स रिस्क रिवॉर्ड रिशो होता है तो रिस्क रिवॉर्ड रिशो में अगर मतलब ज्यादा भी दे सकता है बट खराब टाइम में जैसे हमने अभी देखा चालीस मार्केट डाउन चला गया था तो वहां पर लॉन्ग टर्म रिटर्न की सब जगह पे बैंड बच गई थी अभी थोड़ा मार्केट ऊपर आया तो थिंग्स आर लुकिंग मच बेटर तो ये एक एसेट क्लास है फिक्स डिपॉजिट्स या फिक्स इनकम सिक्योरिटीज जिसे डेट एसेट क्लास भी कहा जाता है नाउ दी थर्ड एसेट क्लास विच इज द फाइनल आई डोंट वॉन्ट टू कंसिडर अबाउट रियल एस्टेट तो हम मेजरली uh, ये एसेट क्लासेस में इक्विटी डेट एंड थर्ड वन इज गोल्ड एज एन एसेट क्लास कमोडिटीज बोल सकते हो आप बट वी फील इट्स बेटर ट्रेडिशनल इंडियन मेंटेलिटी होती है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स हमें काफी अच्छे लगते हैं तो वहां पे यह एक एसेट क्लास है जिसका आप कुछ एलोकेशन कर सकते हो uh, मेरा ये सजेशन रहेगा कि बहुत ओवर एलोकेशन uh, नहीं होना चाहिए इस एसेट क्लास को तो यहाँ पे एक टेन टू का एलोकेशन दिस क्लास वन कैन हैव डिपेंडिंग ऑन हिज और हर रिस्क प्रोफाइल आपको वो कैसे समझ में आता है क्या नहीं है बट इसमें भी आजकल गवर्नमेंट ने ये जो गोल्ड बॉन्ड्स इशू किए सॉवरेंट गोल्ड बॉन्ड्स तो उसमें आपको एक तो प्रिंसिपल की गारंटी भी है यस गारंटी आई एम टॉकिंग अबाउट एंड प्लस अराउंड टू पॉइंट भी इसके ऊपर पे मिलेगा सो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आप देख रहे हो तो बट uh, गोल्ड एक ऐसा ऐसा क्लास है कि जिसके रिटर्न जो रहेंगे वो मेरे हिसाब से सिंगल डिजिट ही रहेंगे क्योंकि उसका ऐसा कोई प्रैक्टिकल uh, uh, um, जो यूसेज नहीं है कहीं पे किसी इंडस्ट्री में सो इन अ

आपका एसेट एलोकेशन के थ्रू रिस्क मिनिमाइज कर सकते हो दैट इज दी पॉइंट सो ये तीन एसेट क्लास आप लोग कंसिडर कर सकते हो ट्रेडिशनली इक्विटी uh, ने 12 परसेंट के ऊपर रिटर्न दिया है लॉन्गर होराइजन में डेट एंड uh, जो गोल्ड है उन्होंने हमेशा सिंगल डिजिट रिटर्न दिए और द लॉन्गर होराइजन आई अंडरस्टैंड देर विल बी सम इयर्स लाइक ये 2020 का जो साल है जिसमें तोड़ फोड़ रिटर्न दिए है गोल्ड ने लास्ट ईयर भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था बट लॉन्गर होराइजन में अगर आप देखोगे तो वो सिंगल डिजिट के रिटर्न देता हुआ ऐसे क्लास हमें नजर आता है मेजोरिटी ऑफ द रिटर्न जो गोल्ड में आए हैं उसका रीजन ये है क्योंकि डॉलर और रुपी इक्वेशन में रूपी डेप्रिशिएट होता गया है नीचे नीचे आता गया है और डॉलर की वैल्यू बढ़ती गई है वर्ल्ड मार्केट्स में गोल्ड प्राइसेस 2011 के अभी भी टच नहीं हुए हैं दे आर स्टिल ट्रेडिंग बिलो 2011 हाईज इन यूएस डॉलर टर्म्स टर्म्स बट में यहां पे बिकॉज हम चालीस रुपए सेवेंटी फाइव रूपीज तक आ गए डॉलर के अगेंस्ट रूपी मैं बात कर रहा हूं इंडियन रूपी का एंड दैट्स फाइ गोल्ड प्राइसेस वहां पर इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं हमें अदरवाइज एज एन एसेट

बाकी आप आपके एडवाइजर को पूछ के वो कॉल्स ले सकते हो तो हम आशा करेंगे दोस्तों कि ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा इफ यू फील की वी आर डूइंग अ गुड जॉब तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिएगा सो तो दैट तो तो जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा वी विल सेंड यू यूअर नोटिफिकेशन ऑल्सो और हमारी जो वेबसाइट है इन, आ, उस पे जाके भी आप हमारे रिसर्च प्रोडक्ट सब्सक्राइब कर सकते हो हमारा अलग एक और एक चैनल है वहां पे मेजरली हम स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स इसके बारे में एनालिसिस करते हैं करंट मार्केट ट्रेंड्स के बारे में एनालिसिस करते हैं है, यहाँ पे प्योर एंड प्योर कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन हम आप लोगों के साथ करने वाले हैं हम आशा करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आके दीजिए दोस्तों जय हिंद